नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जून गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। पहले मोबाइल चोरी किए, फिर सांडगढ़ से उन्हें दुकानदारों को बेच डाला। जयपुर के दुकानदारों ने चोरी के मोबाइलों के नाम से नया बिल जारी कर ग्राहकों को बेच दिया। इस प्रकार के मामले पुलिस की पड़ताल में सामने आ रहे हैं। पुलिस मोबाइल चुराने वाले आरोपियों के साथ दुकानदारों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने फर्जी बिलों से मोबाइलों को बेचा है। जांच में सामने आया कि मोबाइल चुराने वाला गैंग के सदस्यों की जयपुर सहित विभिन्न जिलों में कुछ दुकानदारों से सांठगांठ है। पुलिस दुकानदारों से भी पूछताछ करेगी, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में एक विवाहिता ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी रामदेव नगर निवासी लखनऊ नेपाली से उसने 10,000 रुपए उधार लिए थे। काम नहीं मिलने के कारण वह कर्ज चुकाने में असमर्थ थी। आरोपियों से मजदूरी दिलाने का झांसा देकर बूढ़ा पुष्कर रोड पर ले गए, जहां दोनों आरोपियों ने अपने दो और दोस्तों को बुलवा लिया और चारों ने उससे दुराचार किया। दूसरी ओर इस मामले में एक आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजन के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाया है। आयुर्वेद निदेशालय आयुष मिशन स्टेट मिशन एक्शन प्लान के तहत प्रदेश की 5 रसायन शालाओं को हाईटेक किया जाएगा। यहां पर अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी। इसके लिए निदेशालय स्तर पर तेजी से कार्य हो रहा है। वार्षिक कार्य योजना के तहत 6,78,00,000 की राशि खर्च होगी। इस राशि से फुली ऑटोमेटिक मशीनें मंगवाई जाएंगी। इन रसायन शालाओं को हाईटेक करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध मशीनों की स्थिति देखी जा रही है। जो सबसे बेस्ट होगा उसे ही यह मशीन लगाने का ठेका जारी किया जाएगा। नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र में देर रात पालड़ी के जोधा गांव में आपसी झगड़े ने एक युवक पालड़ी जोधा निवासी बुद्धा राम की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मुंडवा के राजकीय अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में असंतुलित होकर मेहंदी से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार पाली से पावटा जा रहा एक ट्रक जयपुर रोड पुराने टोल टैक्स के पास पलट गया। इसके बाद जयपुर हाईवे पर 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 क्रेनों की सहायता से ट्रक को हटवाकर जाम खुलवाया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया नीट पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के राउंड 2 तथा मॉप अप राउंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि स्टूडेंट्स राउंड 2 से आवंटित की गई सीट को ज्वाइन कर लेता है तो फिर रिजाइन करना संभव नहीं है। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सीट ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स आगे के राउंड की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेंगे, इसलिए राउंड 2 से आवंटित सीट काफ़ी सोच समझ कर ज्वाइन करनी होगी। जयपुर के जोबनी थाना क्षेत्र के गांव देहरा के जोहड़ में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सांवर सीएचसी की मोर्चे में रखवाया है। मृतक की पहचान जोबनी निवासी मनीष कुमावत के रूप में हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं लगा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर के झड़ोल के सालूखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि खेत में सो रहे पिता पुत्र पर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को अस्पताल पहुंचाया। कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र के नया गांव फोरलैन पुलिया पर एक बुजुर्ग का शव लटका देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव को उतारा और उतारकर एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मान रही है कि रोजरी निवासी 60 वर्षीय प्राण मंडल ने आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड किया। परिजनों ने बताया कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो चुका था, आर्थिक तंगी के चलते भारी तनाव में थे। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में देर रात 2 मंजिला किराना की दुकान में आग लग गई। मुख्य बाजार संकरी गलियों में दुकान स्थित होने के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने आसपास के घरों के ऊपर चढ़कर आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अजमेर के अलवरगीर थाना क्षेत्र के राबड़िया मोहल्ले में तेज रफ्तार कार एक मकान में घुस गई। कार की चपेट में आने से मकान के आंगन में बैठे 74 वर्षीय राममूर्ति पत्नी प्रभुदयाल खटीक की मौके पर ही मौत होगी। मृतका के परिजन और मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को दबोच लिया, उसे पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस के अनुसार कार चालक नशे में धुत था। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र, हेमंत और सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीकानेर के बिछवाल थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। इस संबंध में मृतक के भाई खेताराम मेघवाल ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई 18 वर्षीय सुंदरलाल मजदूरी करता है। वह शराब पीने का आदी था। वह रेलवे ट्रैक के पास बैठकर शराब पी रहा था। इस दरमियान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भरतपुर के सेवर थाना पुलिस के नाकबंदी के साथ मारपीट करने के मामले में सेवर जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा निवासी हिमांशु पुत्र देवेंद्र जाट हाल बंदी केंद्रीय कारागृह सेवर ने केंद्रीय कारागृह सेवर के प्रहरी केशव देव निवासी सिंगोरो करोली जिला धौलपुर के खिलाफ पैसे लेकर अवैध रूप से कारागृह में मोबाइल फोन उपलब्ध कराने तथा पैसे नहीं देने पर मारपीट करने का एक मामला 12 जून को थाना सेवर पर दर्ज करवाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के मांडवा थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी जीएस खाई में उतर गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि तिरवल्ला सोमाली मार्ग पर सवारियों से भरी एक जीप खाई में उतर गई। हादसे में जीप में सवार 11 लोग घायल हो गए, वहीं 3 जनों को गंभीर घायल होने पर उदयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर डिप्टी एसपी भूपेंद्र सिंह भी हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। बांसवाड़ा के धानपुर थाना क्षेत्र के जहांपुरा तिलगारी में दो भाइयों की आपसी जमीनी विवाद ने एक दूसरे के सिर पर लाठी मार दिया, जिससे बड़े भाई की मौके पर ही मौत होगी। पुलिस ने बताया कि जहांपुरा पंचायत के तिलगारी पिपलीपाड़ा में नारायण लाल व रूपा पिता राजिया कटारा दोनों भाई हैं। इनके बीच पुराना जमीन का विवाद चल रहा है। नारायण लाल अपने घर में था, वहीं उसका छोटा भाई रूपा शराब पीकर आया और जमीनी विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। इसी दौरान रूपा ने लाठी से बड़े भाई नारायण लाल के सिर पर वार कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.